मेरे चैनल आफ्टर फेजी व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सके। बहुत बहुत थैंक यू। डब्बे में डब्बा, डब्बे में चाबी, जो भाई को भाई से लड़ा दे उसे कहते हैं भाभी। भाई ये मेरी टैगी है और ये देखिए कैसा मेरे पाँव से ना कुचुल मुचुल जा रही है। ये देखिए जी जी, ये देखो हाँ जी, मैं खोल के आता हूँ। ये देखो टैग को देख लो, अब मैं पाँव हटा रही हूँ तो ये उसी तरफ आ रही है जहाँ से मैं पाँव हटाती हूँ। ये देखिए मैं इस तरफ पाँव कर लिया, अब देखना ये इधर ही मुड़ जाएगी। मानो टैगी, हाँ जी, ओहो ओ, ये देखे ये आ गई ना पैर के पास। ये देखे ये खुद आई है। हाँ मानो, अच्छा हुआ। बस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं, ठीक ठाक? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। रोज़ का मामला हो गए कि समझ में नहीं आता क्या पकाएं। रोज़ाना एक उलझन हो जाती है। आज मैंने कहा चलो चिकन ग्रेवी सालन बनाने के लिए, मैंने कहा चिकन ग्रेवी बनाते हैं। ये मैं प्याज कट कर रही हूँ उसके लिए पहले। अच्छा ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है, थोड़ा सा आप इसको ज़रूर गौर से देखिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। चिकन ग्रेवी तो सब बनाते ही होंगे लेकिन ये मेरी जो रेसिपी है बिल्कुल डिफरेंट है। बड़ा अच्छा खट्टा खट्टा सा टेक्सचर आता है इसका सालन का, जैसे वो हॉट एंड सॉर टाइप का ना, इस तरह का इसका टेक्सचर आता है। दो प्याज मैंने ली थी, इसको मैंने फ्राई करने रखा है। थोड़ी सी प्याज नीचे बैठेगी तो टमाटर काट के इसमें डाल दूँगी। लहसुन ऐड कर दिया मैंने इसमें, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी साबुत मिर्चें भी। फिर ये प्याज के साथ अब मैं ये टमाटर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं ना एक छोटा दालचीनी का पीस भी डाल देंगे। टमाटर भी नरम पड़ गए हैं, प्याज भी नरम हो गई है, अब मैं इसको निकाल के जो है ग्राइंड कर लूँगी। ये मेरा मसाला पीस पिस गया है, ये सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने थोड़े से लहसुन में चिकन को भूना था, वो इसलिए कि आपको पता है कि चिकन कच्ची कच्ची स्मेल नहीं अच्छी लगती। ऐड होने लगे हैं स्पाइस सारे। अब ये स्पाइस में मैंने ये ऐड किया नमक, 1 1/2 स्पून नमक को बंद कर दिया। अब हमने हाथ में लिए पिसी हुई मिर्चें। अच्छा हम साबुत मिर्चें डाल चुके हैं इसलिए बहुत थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें ऐड कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, ये हो गया हल्दी इसमें। अब हम उठा लिए हमने हल्दी सारे घर में मर गई, इतनी सी हल्दी सारे घर में मर गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये आ गया पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये सब स्पाइस हमारे चले गए इसमें रेडी होने के लिए। अब ये चिकन के साथ पकेंगे और जितनी देर में ये भुनने के लिए आएगा तो इतनी है टाइम में मैं रोटियां पकाऊंगी। यहाँ इधर सालन तैयार होगा, यहाँ रोटियां तैयार हो जाएंगी क्योंकि हमारी गैस चली जाती है, इसलिए मैं 7-8 बजे तक ही रोटियां पका के रख देती हूँ। इसमें जगह कम होने की वजह से ना बहुत इशू हो जाता है। हमारा वो जो घर था वो बड़ा था ना, बड़ा था ना, किचन भी बहुत बड़ा था। मेरे सारे बहुत सारी चीजें मैंने सामान अपना निकाला भी नहीं है यहाँ ना इस घर में तो अभी तक। सही बात है, इतने 4-5 डब्बे तो बर्तन हो गए। हाँ हमने ओपन ही नहीं किया अभी, तकरीबन 4 डब्बे मेरे जो क्रॉकरी के रखे हुए हैं वो जो के तुम ही रखे हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अभी सिर्फ ऊपरी बर्तन जो थे ना इस्तेमाल वाले वो ही निकाले। ये देखिए गोल गोल रोटी, गोली गली रोटी।
अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी हवा ठंडी चल रही है काफी ना। हाँ सही बात है। हॉटपॉट तो मंगवाइए, हॉटपॉट लेकर आओ। शयान हॉटपॉट दे दो बेटा। वो कहाँ है आपके स्केटिंग शूज जिन पे आप बैठे हो आजकल? इसने क्या कर दिया था आपके पैरों को? बुड्ढा कर दिया था। ये देख लीजिए, बुड्ढा कर दिया था पैरों को। शयान को जो है अब जवान हुए कि नहीं हुए पैर? मस्त जोक मारा। देख रहा था, सही है भाई, जवान हो गए उसके पैर। रोटी तैयार हुई कि ये जवान हुई? ये हो गई, ये रोटी। नहीं जी, रोटी भी हो गई जवान। देखें सालन इस हाल को पहुंचा है। सालन का ये हाल हो गया। 150 रुपया देगा। अब इस हाल पे हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये मैं ऐड कर रही हूँ 4 to 5 tablespoons दही। सालन हो गया रेडी, और ये इसकी ग्रेवी देख लीजिए। आपने जितने जिस हद तक रखना हो उतना रख सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा लूज रखा है क्योंकि थोड़ा चावलों से भी खाएंगे, और मैं और फजान तो रोटी से खाएंगे, बाकी बच्चे जो है वो चावल से खाएंगे, बॉइल्ड चावलों के साथ, इस वजह से। अच्छा ये हो गया है रेडी, अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। ऊपर से ऐड कर रही हूँ इसमें हरा धनिया, और ये तैयार हो गया मेरा टन 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 वाला चिकन ग्रेवी। चले जी, अब मैं आपको दो जगह नजर आ रही हूँ, एक ऊपर और एक यहाँ। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी जनाब, ये है टाइम टू रेमेडी टाइम। कैसे हैं? रेमेडी आज की जो है वो बहुत अच्छी है। जो ये मौसम आजकल चेंज हो रहा है हमारे यहाँ कराची में, तो अच्छा मौसम हो गया, ठंड भी अच्छी पड़ रही है, तो उसके लिए हमें एहतियात भी लाजिम करनी पड़ती है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो उसमें खांसी भी, जुकाम खांसी हो रही है आजकल। तो उसके लिए, खांसी के लिए सबसे आसान ये खा ले शहद। आजकल तो अब तो हर घर में मौजूद होता है ये शहद, और पिसी हुई काली मिर्च और अदरक का एक पीस इतना बड़ा, थोड़ा सा एक 1 स्पून शहद ले लें, उसे नीम गरम हल्का सा गरम कर लें ऐसी चमचे में लेके। अगर आप थोड़ा सा गरम करेंगे तो गरम हो जाएगा। उसमें एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा जो अदरक हमने इतना बड़ा पीस कूटा है उसके 2-3 कतरे उसमें डाल के वो चमचा आपने उसको मिक्स करके वो बच्चों को या बड़ा भी जो कोई भी है जिसको खांसी हो रही है उसको 2 टाइम दें, और उसके ऊपर पानी मत पीने दीजिएगा कि वो 1-1.5 घंटा जो है पानी ना पिए, क्योंकि पानी पीने से वो तासीर ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह देखिएगा जल्द अफाका होगा, और बहुत अच्छी रेमेडी है ये, प्लस ये कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना प्यार तो मुझ तक पहुँचाएं यार, आप लोगों का मोहब्बत प्यार मुझ तक नहीं पहुँच रहा। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो ये आपका प्यार होता है सब्सक्राइब करना, ये हम तक जो पहुंच रहा होता है वो आपका प्यार होता है। तो काइंडली अपनी अपना प्यार अपनी मोहब्बत मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं मुंतज़िर रहती हूं हर वक्त कि कब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, और काइंडली लाइक करना भी मत भूला करें। आप वीडियो देखते हैं तो उसे एक क्लिक कर दिया करें, इससे आपका प्यार मुझ तक पहुँचता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप वही हो ना जो टिकटॉक वीडियो बनाती हो? जी हाँ, टाइम कैसे मिल जाता है आपको? घर में काम नहीं होते क्या? जैसे आपको टिकटॉक वीडियो देखने का टाइम मिल जाता है, मुझे बनाने का मिल जाता है। वो देखिए आपकी सोच गिरी हुई है, उठा लीजिए।